से कहां से बोला, मंजूरी कहां से बोला, वाटू डॉक्टर मीनाक्षी का बताना आप यहाँ पे जॉइंट डिप्टी को भी सब इंस्पेक्टर अंदर है, बहुत सारे ऐसे भैया डॉक्टर है राउंड टाइम दसना है, डॉक्टर मीनाक्षी का नाम है, ठीक है? नहीं जनरल बात है, यहाँ पे इस टाइम आपके पेशेंट आ रही है, तो क्या दिख रहे, क्या आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम, क्या कोई डॉक्टर नहीं ना, वो किसी बात की भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें बहुत देखभाल हुई है और बहुत अच्छे से मैम ने मतलब हमारी देखभाल की है, अच्छा ट्रीटमेंट चलाया उसने दवाई का, और करतार चंद था हमारा पेशेंट, बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमें 6 दिन हो गया आए हुए जहाँ पे, हमारे पेशेंट का नाम सिद्धांत था सर, बड़े अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर आते हैं टाइम टाइम पे, पूरे टाइम पे आते हैं, हर टाइम पूरे टाइम पे इंजेक्शन लग रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है यहाँ पे सर। कैसे आपको लगता है कि ये बीमारी काफ़ी खतरनाक है, इन बीमारियों में काफ़ी डॉक्टर यहाँ पे अपनी मुद्दे पर भी ठीक कहते हैं और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये सभी, पूरे सफाई वाले हर कुछ सैनिटाइज हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है सुबह शाम, सफाई वाले पूरी सफाई कर रहे हैं सर, खाना टाइम पे आ रहा है सबको, सब कुछ अच्छा चल रहा था बिल्कुल जी। आपका जी सर क्या है, जैसे कि काफ़ी बीमारी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जम्मू में लॉकडाउन भी लगा हुआ है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आज हमारे ये जो कि सोशल मीडिया पे फेसबुक पे ये जो एक वीडियो वायरल किया गया है एक चैनल के द्वारा, जिसमें कि उन्होंने बताया कि हमारे एक पेशेंट्स का इंटरव्यू लिया कि कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही, डॉक्टर ने देख रहा इंजेक्शन नहीं लग रहे, फाइलें नहीं बन रही, तो मैं इसको रिबटल देना चाहता हूँ उसको कि बिल्कुल गलत है, वन साइडेड रिपोर्ट नहीं लेनी चाहिए, कम से कम किसी और को नहीं तो मेडिकल स्टूडेंट को कम से कम पूछ लेना चाहिए था कि ये जो बोल रही है सच बोल रही है कि गलत बोल रही है, तो उसी के बारे में बताना चाहूँगा कि उस पेशेंट को 3 दिन रेमडेसिविर लगा, उसके बाद उसको बंद किया गया, उसका कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है, पर वो घर नहीं जाना चाहते क्योंकि वो स्मोकर है, वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, उनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है लंग्स की, पर है कि कोविड उनका ठीक हो चुका है, अब वो घर जाके उनका इलाज किया जा सकता है, क्योंकि कोविड के बहुत ज़्यादा पेशेंट वेट कर रहे हैं, इसलिए हमें पेशेंट्स के बेड खाली चाहिए, तो हम उनको डिस्चार्ज कर रहे थे, तो वो उनको डिस्चार्ज नहीं करने के बहाने से वो ये हमें कह रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल से कि ऐसी कोई भी न्यूज़ अगर हो तो वो हमसे पूछें, कोविड इस समय बहुत बुरी तरह फैला हुआ है और हमारे डॉक्टर और नर्सेज आपकी मदद के लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट करें, हमें मोटिवेटेड रखें, अगर ऐसा करेंगे तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी मैम आपका नाम? मैं डॉक्टर मीनाक्षी हूँ, यहाँ पे MCH गांधीनगर में ट्रीटिंग फिजिशियन हूँ, यहाँ पे हम 67 to 75 पेशेंट हम देख रहे हैं डेली के डेली, यहाँ पे डॉक्टर्स के राउंड होते हैं, उनके डेली हम मॉर्निंग इवनिंग नाइट 3 टाइम्स इनके राउंड होते हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ भी इनके पास पीपी किट डाल के 3-3, 4-4 घंटे इनके पास मेडिसिन देने के लिए हमारे राउंड करते रहते हैं, हम एक एक पेशेंट से एक एक कंप्लेंट इनकी सुनते हैं और हर एक पेशेंट को हम सेटिस्फाई करते हैं, कोई भी पेशेंट हमारे खिलाफ बोल नहीं सकता, एक पेशेंट एक न्यूज़ चैनल में मैंने सुना है स्पेशली डॉक्टर मीनाक्षी के खिलाफ कि हमें ट्रीटमेंट ठीक नहीं दे रहे हैं या हमें अच्छे से बात नहीं की है, वो लोग गलत र्यूमर जो है वो फैला के दूसरे चैनल में डॉक्टरों के खिलाफ नफरत लोगों के बीच में फैला रहे हैं, ऐसे चैनल वालों को भी शर्म आनी चाहिए कि डॉक्टरों के खिलाफ इन लोगों ने लोगों के मन में कितना अविश्वसनीय बना दिया है, हम डॉक्टर दिन रात लोग इन लोगों के लिए यहाँ खड़े हैं, कुछ डॉक्टर अपने बच्चे छोड़ के होटलों में रह रहे हैं, कुछ अपने माँ बाप को छोड़ के अकेले रह रहे हैं सिर्फ इन लोगों की खातर, ये लोग इतने थैंकलेस हैं, इन लोगों ने ये लोग हमें क्वेश्चन करते हैं कि हमें ये दवाई देनी है, यार हु आर यू, वी आर ट्रीटिंग फिजिशियंस, वी शुड नो कि क्या इंजेक्शन देना है क्या नहीं देना है, अगर आपका पेशेंट ठीक हो रहा है वो ठीक स्थिति में है, उसकी सैचुरेशन 94-95 विद ऑक्सीजन मेंटेन कर रही है, तो आपको ये क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है कि हम उसको क्या इंजेक्शन दें क्या नहीं दें, डॉक्टर पेशेंट के लिए गॉड होता है, हमारे लिए पेशेंट सबसे हमारी जान होती है, कोई भी डॉक्टर दुनिया का ये नहीं चाहेगा कि मेरा पेशेंट मर जाए या मेरा पेशेंट ठीक से नहीं ना हो, खासकर जम्मू के डॉक्टर, मैंने एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं देखा कि जो पेशेंट के लिए गलत कर रहा हो, लेकिन इन सारे लोगों ने जम्मू के लोगों ने अपने डॉक्टरों के पास विश्वास ही खो दिया है,
लोग आते हैं डर डर के, पता नहीं डॉक्टर हमें मार ना दे। बताओ ऐसा कौन सा डॉक्टर जो चाहेगा मेरा पेशेंट खराब हो। ये लोग अटेंडेंट, खासकर पेशेंट के घर के अटेंडेंट, ये लोग कोविड से डरते हैं, पेशेंट के पास बैठते नहीं हैं। उनको खाना भी, खाना खजाना वाले और पता नहीं कौन कौन सी संस्थाएं, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने खाना रिसीव किया, वो खाना भी इनको फ्री में हम दिलवा रहे हैं। ये लोगों ने सेवा की है, इंजेक्शन सारे हॉस्पिटल से फ्री मिल रहे हैं, कोई भी इंजेक्शन इनको बाहर से खरीदना नहीं पड़ रहा, फिर भी ये लोग डॉक्टरों के खिलाफ बोल रहे हैं। आज पर्टिकुलरली मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, कल को पता नहीं किसके खिलाफ बोलेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे खिलाफ कोई भी बोले। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि हमारे सारे मेरे जो क्लीग भाई बहन हैं इनके खिलाफ कोई आगे ना बनाए, इनका मॉरल डाउन होता है। इसलिए लोगों में ये बन रहा है कि डॉक्टर जो है वो विश्वसनीय नहीं है। इन लोगों को अपने डॉक्टर पर विश्वास रखना चाहिए। रोज़ मोदी साहब कहते हैं जैसे डॉक्टर के साथ सलाह करो, डॉक्टर क्या बोल रहा है वो दवाइयाँ खाओ, अपने घर में ट्रीटमेंट ना लगो, घर में लोग ऐसे ही कुछ मर रहे हैं। ये महामारी का टाइम है, इस टाइम लड़ने झगड़ने का टाइम नहीं है। सारे लोग मिलके अपना साथ दो, डॉक्टरों के साथ कोऑपरेशन करो और अपने मरीजों का खुद ध्यान रखो। ये नहीं कि शाम को भाग जाओ, सुबह बोलो डॉक्टर तो आया ही नहीं, दिन को भाग जाओ डॉक्टर तो आया ही नहीं। भाई डॉक्टर ने 24 घंटे थोड़ी थोड़े सिर पे बैठे रहना है, दिन रात डॉक्टर को फ़ोन करते हैं ये लोग। ये हम MCH गांधीनगर में मेरी ड्यूटी है, यहाँ मैंने एक्सीलेंट काम देखा है। मैं अकेले नहीं, जो मेरे से पहले भी मेरे भाई बहन काम करके गए हैं, सबसे अच्छा हॉस्पिटल है यहाँ, दवाइयाँ सब कुछ फ्री मिल रही है। हमारा पैरा मेडिकल स्टाफ, कोई भी पेशेंट, एक पेशेंट ने कहा है, मैं कहती हूँ कि वीडियो सारे पेशेंट जो मेरे 70 पेशेंट हैं उन सबका इंटरव्यू लो, कोई मेरे खिलाफ बोल के बताया कि मैडम ने अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया। 10 पेशेंट मैंने आज डिस्चार्ज किए हैं, उनसे भी आप आके पूछे कि मीडिया वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रोज डॉक्टरों के खिलाफ जीएमसी जम्मू गांधीनगर एक दिन आके काम करो। अगर आप खुद डॉक्टर हो तो खुद ट्रीटमेंट कर लिया करो पेशेंट का घर पे, यहाँ मत लाया करो पेशेंट को। अगर आपको अपने पेशेंट को अपने डॉक्टरों पर विश्वास नहीं है तो भाई कहीं और चला जाया करो, घर में ही कर लिया करो। धन्यवाद।